हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नए बिजनेस आइडिया के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, हमारे पास फूड आइटम से रिलेटेड सारी मशीन्स की नॉलेज की वीडियो होती है, चाहे वो कुरकुरे की है, चाहे वो चिप्स की है, चाहे नमकीन की है। तो उन्हीं में से रिलेटेड आज आपने एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसके द्वारा आप काफी अच्छी आमदनी तो कर सकते हैं और मार्केट में एक अच्छी तरीका से स्केलेबल भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बिजनेस करने में कस्टमरों को ये डर होता है पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो ये बिजनेस ऐसा है जिसको कोई भी बंदा कहीं पे भी लगा करके अपना शुरुआत कर सकते हैं और 100% ये बिजनेस चलने वाला है दोस्तों। तो ये बिजनेस क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं रेडीमेड प्राइम्स का बिजनेस। जैसे कि कुछ सैंपल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका कटोरी है, चाउमीन है, पास्ता है, नूडल है या व्हील है, इसके अलावा एबीसीडी है, जानवर वगैरह आते हैं। ये सारे के सारे आइटम आपके मार्केट में 2 रुपए वाले, 5 वाले, 10 वाले काफी अच्छी तरीके से सेल होते हैं। और इनका चलने का जो सबसे बड़ा कारण होता है, ये इस वजह से होता है कि ये बच्चों के खाने पीने का आइटम है दोस्तों, और इनके अंदर छोटे मोटे खिलौने मिलते हैं, तो खिलौने की वजह से बच्चे इनको बार बार खरीदते हैं और मार्केट इसकी काफी अच्छी बनती है। अगर कोई भी नया बंदा इस सेटअप को लगाते हैं तो उनको ये डर होता है कि हमारी तो लोकल ब्रांड है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो उनको यही प्लस पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि बच्चे ब्रांड नहीं देखते हैं, वो देखते हैं कि इनके अंदर क्या खिलौने मिल रहे हैं। छोटे मोटे खिलौना मिलते हैं तो उससे वो खुश होते हैं और बार बार खरीदना पसंद करते हैं। तो अगर आप मार्केट में अच्छी तरीके से इस बिजनेस में टिकना चाहते हैं तो आपको बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने देने पड़ेंगे, ताकि बच्चे आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदे, और जितना ज्यादा आपकी सेल होगी उतना ही आपका अमाउंट भी होगा। तो इस बिजनेस में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि बिना ब्रांड के भी आप इस बिजनेस में आप स्टार्ट कर सकते हो, इन प्रोडक्ट को निकाल करके मार्केट में काफी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस बिजनेस के लिए शुरुआत कैसे करते हैं और क्या क्या मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये रॉ मटेरियल लेना है। जैसे आप ये आपका देख पा रहे कटोरी, चाउमीन, पास्ता, एबीसीडी, व्हील और आपका एनिमल वगैरह, तो ये सारे के सारे आइटम मार्केट में रेडीमेड मिलते हैं। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो हमारे द्वारा कॉन्टेक्ट करके भी ये सारे आइटम ले सकते हैं। इसके बाद इनका सिंपल प्रोसेस होता है, केवल एक फ्राई मशीन आपको लगानी है इनको तलने के लिए। अब आप चाहो तो उनको कढ़ाई भट्टी में, अपनी घर की भट्टी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, या थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास एलपीजी फ्रायर और इलेक्ट्रिक फ्रायर भी उपलब्ध होते हैं दोस्तों। उनके भी फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे आपके अच्छी क्वालिटी में स्टील के बने हुए फ्रायर होते हैं, जिनमें ना तो माल जलता है और आपका प्रोडक्शन भी काफी अच्छा होता है। तो पहला स्टेप हमारा, जो आपने कच्चा माल लिया है उनको इस फ्रायर मशीन में फ्राई करना पड़ता है। उसके बाद इनका फ्राई करने के बाद एक्स्ट्रा तेल को निकालने के लिए लगता है एक ऑयल ड्रायर मशीन। ये आपका ऑयल ड्रायर मशीन है जो इनके अंदर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल होता है उसको निकाल देती है, ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी बने। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा तेल निकालने के बाद सीधा उनको हमको करना पड़ता है फ्लेवरिंग। अब फ्लेवरिंग के लिए, जैसे कि आप देख पा रही है हमारा मसाला मिक्सर मशीन है, इसमें आप अलग अलग तरीके के टेस्ट दे सकते हैं, ताकि बच्चे इनको खरीदे तो उनको हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग टेस्ट मिले, चाहे वो बच्चे खरीदे चाहे बड़े खरीदे। तो जितना अच्छा क्वालिटी का आपका फ्लेवर होगा उतना ही अच्छा आपका मार्केट में रेस्पॉन्स होगा, क्योंकि तो क्वालिटी अच्छी होगी तो बच्चे भी बड़े भी सब खाना पसंद करेंगे और उनको अच्छा लगेगा तो वो बार बार आपकी क्वालिटी के वजह से भी खरीदना पसंद करेंगे। अब फ्लेवरिंग होने के बाद आपका प्रोडक्ट खाने के लिए रेडी है दोस्तों। आप चाहो तो उनको लूज में भी 1-1 किलो 2-2 किलो के बैग बना के सेल कर सकते हैं, या हमारी इस ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन की मदद से 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला या 2 रुपए वाला, जैसा जैसा आपके क्षेत्र में मार्केट में डिमांड हो उस हिसाब से उनको पाउच में पैक कर सकते हैं। तो ये हमारी पाउच पैकिंग मशीन होती है दोस्तों, जो इनको पैक करती है। अब पैक करने के बाद आप उनको अपने 120 का बैग बनाओ या 144 का बैग बनाओ, बड़े बड़े एलडी बैग में भर के उनको मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। तो ये छोटा सा सेटअप होता है दोस्तों, जिसमें आपका 3 से 4 मशीन लगती है और कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि मशीन के प्राइस क्या होता है। तो पहली मशीन हमारी भट्टी होती है। भट्टी अगर आप लगाओगे तो अपने घर पे भी आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी में फ्रायर लेते हैं तो फ्रायर हमारे पास एक तो है एलपीजी फ्रायर, जो कि 80 से 85 लीटर का है, जिसकी कीमत है मात्र आपका 85,000 रुपए। उसके बाद हमारा दूसरी मशीन है जो इलेक्ट्रिक फ्रायर मशीन है, अगर वो लगाते हो तो वो हमारी आती है 1,30,000 रुपए की दोस्तों। ये फ्रायर मशीन हो गया हमारा। इसके बाद हमारा ऑयल ड्रायर मशीन,
ऑयल ड्रायर हमारे पास दो कैपेसिटी के, एक आधा एचपी में है जिसकी कीमत है मात्र 20,000 रुपए, और एक बड़ा साइज होता है जो 1 HP का है उसकी कीमत है हमारी 30,000 रुपए। इसके बाद हमारी आती है फ्लेवरिंग मशीन, फ्लेवरिंग मशीन की कीमत है दोस्तों हमारी 45,000 रुपए, और उसके बाद हमारा पाउच पैकिंग मशीन होगा जिसकी कीमत है हमारी मात्र 1,50,000 रुपए फुल न्यूमेटिक मशीन का। और दोस्तों मशीन को चलाने के लिए आपको एक लगेगा एयर कंप्रेसर, तो ये 4-5 मशीनें लगा के आप इस बिजनेस में शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि टोटल अमाउंट की बात करें, अगर आप बिना फ्रायर के मशीन लगाते हैं तो 2.5 लाख रुपए आपको मशीन का खर्चा लगेगा, अगर आप गैस फ्रायर लगाते हैं तो 3,30,000 रुपए आपको गैस फ्रायर के साथ आपको एक प्लांट पड़ेगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फ्रायर लगाते हैं तो उसके साथ आपको 3,75,000 रुपए के समथिंग आपका एक प्लांट लगेगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, अगर दोस्तों आपके पास सिंगल फेज का कनेक्शन है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, अगर 3 फेज का है तो आप इलेक्ट्रिक फ्रायर में जा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्रायर हमारा 3 फेज का है, बाकी चाहो तो आप सारी मशीनें सिंगल फेज में ले सकते हैं, या तो आप कढ़ाई भट्टी से कीजिए या आप गैस फ्रायर से कीजिए, तब आपका सिंगल फेज घरेलू बिजली पे सेटअप लग सकता है। और दोस्तों इसको आप अपने घर के छोटे से स्पेस में, यानी कि 15x20 फिट का अगर कोई रूम है 300-400 स्क्वायर फिट, वहां पर भी आप इसको आराम से लगा सकते हैं, और 1 से 2 बंदे रख करके भी आप इस बिजनेस को आराम से शुरुआत कर सकते हैं। तो ये है हमारा रेडीमेड प्राइम का बिजनेस, जिसकी मार्केट में आप ऐसी कोई दुकान नहीं होगी जहां पर ये प्रोडक्ट ना देख पाते हो, तो मार्केट में काफी अच्छी खासी डिमांड होती है दोस्तों, हर दुकानों पर ये प्रोडक्ट सेल होते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है किस क्वालिटी में और कितना अच्छा खिलौना आप बच्चों के लिए देते हैं, क्योंकि सारा फंडा है आपका बच्चों के टॉयज के ऊपर, जितनी अच्छी क्वालिटी का जितना अच्छा आप टॉयज दोगे बच्चे बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और आपकी सेल बढ़ेगी, आपकी सेल बढ़ेगी तो जनरल की बात है आप अपना उतना ही ज्यादा इनकम करोगे दोस्तों। बाकी इस बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम आपको मशीन से रिलेटेड सारी वीडियो भेजेंगे, मशीन से रिलेटेड आपको प्राइस के बारे में या कुछ रॉ मेटेरियल के बारे में कि आपको कच्चा माल कहाँ से मिलना है, इसको पैक करने के लिए पन्नी कहाँ से चाहिए या मसाले कहाँ से चाहिए या ये अच्छे अच्छे खिलौने कहाँ मिलेंगे, तो ये सारी की सारी नॉलेज आपको हम दे देंगे, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।